डर नाम का कोई चीज बचपन से ही मेरी डिक्शनरी में कभी था ही नहीं। हिम्मत करके और हिम्मत को ही हमेशा अपनी साथी बनाकर जिंदगी में आगे बढ़ता गया हूं। किसी भी चीज से मुझे कभी डर लगे ये मुझे सपने में भी नहीं लगता था। हिम्मत करके साहस करके जिंदगी में जितना भी बन पाया हूं सब कुछ हिम्मत करके ही किया हूं, इसलिए डर का कोई वास्ता ही नहीं है मेरे साथ। लेकिन डर की जरूरत और डर का असली मायने, उसका असली मतलब जिंदगी कभी ना कभी समझा जरूर देता है। आज बहुत सालों के बाद मेरा दिल बहुत खुश है, क्योंकि इतने सालों के बाद मैं अपने गांव लौट रहा हूं। शहर में नौकरी करते करते बहुत साल बीत चुके हैं, घर वालों को देखे हुए काफी अरसा बीत चुका है मानो, इसलिए बहुत टाइम के बाद एक लंबा छुट्टी लेकर अब गांव की तरफ जा रहा हूं। इसी गांव से मेरा जुड़ा हुआ बहुत सारे मेमोरीज है। इसी गांव पर मैं पला पड़ा हूं, शिक्षा हासिल की, सब कुछ मैंने इसी गांव से ही किया था। उसके बाद अपना सब कुछ आगे बढ़ाने के लिए मैं शहर की तरफ चल गया, और आज इतने सालों के बाद अपने गांव लौट रहा हूं तो दिल भी बहुत खुश है। लेकिन यह मैं नहीं जानता था कि कितना बड़ा मुसीबत मेरे लिए रास्ता देखकर खड़ा हुआ है। आते वक्त 2-3 बार माँ का कॉल आ चुका था कि मैं सही सलामत आ रहा हूं या नहीं, और उन्होंने साफ मना कर दिया है कि मैं जंगल के रास्ते से ना आऊं। अब इस जंगल को लेकर एक बहुत बड़ा किस्सा है। बचपन से ही गांव वालों के मुंह से मैंने सुना था कि हमारे गांव के उस पास के उस घने जंगल में एक डायन का वास है। हालांकि बचपन से उस जंगल में मैं बहुत बार खेल चुका हूं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन डायन का डी भी मैंने कभी उधर नहीं देखा, इसलिए इन सब बातों को मैं मजाक में उड़ा देता था। डायन वगैरह कुछ होता है या नहीं, भूत प्रेत डर ये सब एक फालतू चीजें हैं, इन सब का कोई एग्जिस्टेंस एटलीस्ट मेरी जिंदगी में हो ही नहीं सकता, इसलिए उन सब की बातों का परवाह ना किए बगैर मैं अपने मंजिल की तरफ चल दिया। माँ को बोल दिया था नहीं मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। मन ही मन इन सब कहानियों को, इन सब इनोसेंट चीजों को, इन सब नॉनसेंस को मैं बके जा रहा था। डायन, पता नहीं ये गांव वाले कब बड़े होंगे। हाँ वैसे शहर जाकर थोड़ा खुद भी बहुत बदल चुका हूं, लेकिन वही कहा था ना, डर नाम का चीज मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। बचपन में उस जंगल में मैं रात के वक्त बहुत बार आया था। रात के वक्त उस जंगल में मैं कभी कभी ठहर भी था, ट्रूथ एंड डेयर खेलता था अपने वहां के दोस्तों के साथ, लेकिन सही मानो डायन का डर भी मुझे नहीं दिखा, इसलिए आज भी इन सब बातों को मजाक में उड़ा दिया। हालांकि गांव वाले बोलते हैं कभी कभी उन्होंने किसी के चीखने की आवाज सुनी है, किसने कभी कभी उस डायन को देखा भी है, और जो भी एक बार उसके हाथ में पड़ जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। ऐसा थोड़ी होता है, तो मैंने कैसे नहीं देखा। क्या मानो किसी पेड़ को उन्होंने डायन समझ लिया, या किसी खूंखार जानवर को उन्होंने डायन समझ लिया। हो सकता है गांव का एरिया है, जंगली जानवर घूमते ही रहते हैं। मैं इन सबकी परवाह किए बगैर आगे चलता गया। आखिरकार 5 घंटे की जर्नी के बाद मेरा गांव आया। गांव पहले से बहुत बदल चुका है, अभी वो कच्चे घर वगैरह है भी नहीं, लेकिन गांव का एटमॉस्फेयर, गांव का वातावरण पहले जैसा ही है, चाहे जितना भी थोड़ा मॉडर्न वगैरह हो जाए। अभी टेलीफोन टावर्स, बैंक, स्कूल सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन गांव के लोग है ना उतना ज्यादा बदल नहीं पाते। और कुछ टाइम वेस्ट किए बगैर मैं वहां पे एक फोन किया कि मैं उतर चुका हूं और मैं आ रहा हूं। पहले ही जाते वक्त मेरे बहुत सारे करीबी रिश्तेदार और कुछ दोस्तों के घर वहां है, सोचा कि मैं एक बार उनसे मिलकर चलूं। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो लोग बहुत खुश हुए, इतने सालों बाद अपने पुराने दोस्तों को देख रहा है, इतने सालों बाद मुझे देखा उन लोगों ने, इतने सालों बाद मैं मिल रहा हूं उनसे, मेरे खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं था। और इन डायन वगैरह जैसे चीजों को तो दिमाग से ही कब का निकाल चुका हूं। ऐसे ही सबसे मिलकर आखिरकार मैं घर की तरफ जाने लगा।
अब मजे की बात यह है, मेरे घर जाने का यहां से दो रास्ता था। एक रास्ता हमारे यहाँ की उस बड़ी झील के पार जो रास्ता है, और दूसरा वो जंगल का रास्ता। और अगर घर में पता चला कि मैंने जंगल के रास्ते से मैं गया हूं, तो कुरुक्षेत्र शुरू हो जाएगा। तो मैंने उसे बोलना सही नहीं समझा, लेकिन इतने साल बीत चुके हैं, मैं आज भी हिम्मत करके मैंने सोचा कि मैं उसी जंगल के रास्ते से ही जाऊंगा, उसी जंगल के रास्ते से मैं जाऊंगा, जिस जंगल के रास्ते में मैं बचपन में जाता था, कभी मुझे किसी डायन की नजर तक नहीं आई। ठीक है, जैसे ही मैं उस जंगल के रास्ते की तरफ बढ़ता गया, पीछे से चारू काका नाम का एक जन ने मुझे बुलाया। बेटा, काका बोलिए, सबीर कैसा है? सबीर अभी ठीक है बेटा, लेकिन तुम इतने सालों बाद गांव पे आए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुम उस जंगल के रास्ते से क्यों जा रहे हो? तुम झील का रास्ता पकड़ कर जाओ बेटा। देखिए चाचा, ये जंगल का रास्ता शॉर्टकट पड़ता है, यहां से जाऊंगा तो जल्दी पर पहुंच जाऊंगा। बेटा, जल्दी का काम शैतान का होता है। भले ही तुम्हें कुछ वक्त ज्यादा लगे, लेकिन तुम सुरक्षित रास्ते से जाओ। क्यों खतरे को मोल लेना चाहते हो? तुम जानते हैं उस जंगल में क्या है? कम ऑन चाचा, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? अरे बचपन में मैं कितने बार इस जंगल में जा चुका हूं, रात में बहुत बार मैं गया हूं इस जंगल में। जब मैं छोटा था, मैंने कभी कोई डायन वगैरह कुछ नहीं देखा, चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं देखा, तो आप लोग डरते क्यों हैं? अरे मैंने किसी को नहीं देखा वहां पे, तो मैं क्यों डरूं? आप लोग भी ना ये पुराने कल्चर में, पुराने जमाने के थिंकिंग है आप लोग। वो धीरे धीरे मेरे नजदीक आए, मेरे कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, बेटे हो सकता है तुम लोग बड़े बड़े शहरों में अभी नौकरी कर रहे हो, बहुत नया कुछ चीजें तुम लोगों ने जाना है, देखा है, जो शायद हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं। लेकिन बुजुर्गों का कुछ कही बातों को अनसुना ना करो बेटे। जिस चीज को कभी देखा नहीं, ये जरूरी नहीं कि उसको तुम कभी देखोगे भी नहीं। जिस दिन वो डायन तुम्हारे सामने आएगी, तुम उसके हाथ से बच नहीं पाओगे। मेरा भाई उस डायन के हाथों मारा गया था बेटा। अब मैं क्या बोलूं, कितने साल हो चुके उस बात को, और इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है चाचा कि आपका भाई उस डायन के हाथों ही मारा गया था। तो तुम कह रहे हो कि हम सब गलत है? ठीक है, अगर तुम इसी रास्ते से जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। किस्मत को कोई बदल तो सकता नहीं, लेकिन मैं एक बार फिर तुम्हें आगाह कर रहा हूं, तुम उस झील के रास्ते से जाओ, इस जंगल का रास्ता मत पकड़ो। चाचा प्लीज, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, लेकिन मेरा एक कहा मानोगे? हां बोलिए, ये ताबीज तुम हाथ में बांध लो। क्या ताबीज? आपको पता है ना, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। मेरे अंदर हिम्मत है चाचा, मैं हिम्मत से हर चीज का सामना करता हूं। बेटे, जब उसके पायल की छनकार सुनाई देती है ना, तब हिम्मत फीका पड़ जाता है। जब उसके लाल लाल बड़े आंखें नजर में आती हैं, डर अपने आप पैदा हो जाता है। अगर उसके सामने पड़ गए तो यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। इस ताबीज को अपने शरीर से अलग मत करना जब तक ना तुम घर पहुंचते हो। लेकिन चाचा, बेटा, मैं तुमसे विनती करता हूं, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, बचपन से तुम मेरे घर पे बहुत बार आए थे। तुम और सबीर मेरे लिए अलग नहीं हो, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। मैंने तुम्हें अपने बेटे से कभी कम नहीं समझा। तुम कृपया इस ताबीज को अपने शरीर में धारण कर लो और तुम जाओ, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम उस रास्ते से मत जाओ। ठीक है चाचा, मैं आपका बात मान लेता हूं और इस ताबीज को पहन लेता हूं। बहुत बार बोलने के बाद
मैंने उस ताबीज को आखिरकार अपने हाथों में बांध लिया। चलो चलता ही जा रहा हूं, लेकिन ये क्या, चलते चलते अचानक मैंने देखा कि मौसम बदल रहा है। वैसे बारिश होने का या कोई तूफान आने का तो वैसे कोई इंडिकेशन था नहीं। सोचा जल्दी चलना होगा, ऐसे ही जंगल के रास्ते से मैं चल रहा हूं। बचपन की यादें मानो ताजा हो गए, कितने बार खेल चुका हूं इन रास्तों से। इस जंगल में छुपा छुपाई, ट्रुथ एंड डेयर, बहुत कुछ मैं खेलता था। और आज इतने अरसों बाद मैं इस जंगल को फिर देख रहा हूं। लेकिन एक बात आज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज से बहुत साल पहले मैंने जिस जंगल को देखा था, ये जंगल आज वैसा नहीं है। आज मानो ये जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है, मानो ये जंगल मुझे मुझसे कुछ कहना चाहता है। ये पेड़, ये पत्ते, इन पत्तों में चलने वाली हवाएं शायद मेरे कानों में कुछ कहना चाहती है। पर मैं सब क्यों सोच रहा हूं, क्या मुझे डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, डर नाम का चीज मेरे अंदर है ही नहीं। मैंने हिम्मत से हर चीज को पार किया है, आज भी मैं किस चीज से डरूंगा नहीं। सही सलामत इसी रास्ते से मैं घर जाकर साबित कर दूंगा कि ये गांव वाले कितने गलत हैं, या फिर शायद मैं ही गलत हूं। ऐसे ही मैं चलता जा रहा था। चलते चलते अभी थोड़ा और रास्ता जाना बाकी था, लेकिन देखते देखते मौसम और बदलने लगा और छोटी छोटी बारिश की बूंदें धीरे धीरे बड़ी आकार लेने लगी। ऐसे ही अपने आप को बचाने के लिए मैं एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर शेल्टर लिया। ये पेड़ दिखने में बहुत बड़े राक्षस जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे क्या डर, इतने बार इन जंगलों में मैं आ चुका हूं तो आज मुझे डर किस चीज का। जैसे मौसम थोड़ा ठीक हुआ मैं घर की तरफ चलने लगा। फिर मोबाइल में देखा तो नेटवर्क नहीं है। क्या वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नेटवर्क क्यों नहीं है? लेकिन अभी कुछ टाइम पहले भी मोबाइल में नेटवर्क था। घर वाले पता नहीं चिंता कर रहे होंगे, इसे जल्दी चलने का मैं सोचा। चलते चलते जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 7:30 बज चुके थे। अभी तो रास्ता और चलना था। ऐसे ही मैं चलता जा रहा था, लेकिन जैसा मैंने कहा था, ये जंगल अब वो नहीं रहा। मानो आज ये जंगल मेरे लिए ही थोड़ा अलग बन चुका है। मैं चलता तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों बाद भी मुझे इस जंगल का हर रास्ता याद है, कहां से कौन सा रास्ता निकलता है, कहां जाता है, और यहां से सीधा जाकर जो डायना मोड़ आता है उससे निकलने पे ये जंगल खत्म होता है और मेरा घर जाने का रास्ता आ जाएगा। लेकिन ये रास्ता मुझे आज क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं क्या करूं, मोबाइल भी नहीं चल रहा और किसी से मदद मांगूंगा वो चांस भी नहीं है। सोचते सोचते ऐसे एक लकड़ी के टहनी के ऊपर मैं बैठ गया। ऐसे ही मैं सोच रहा था तभी अचानक दूर से मुझे धुआं नजर आया। अरे इस वक्त जंगल में कौन हो सकता है, और ये धुआं वगैरह क्या है? आगे चलकर मैं देखने लगा और थोड़ी नजदीक जाते ही मैंने देखा एक झोपड़ा जैसा कुछ है। झोपड़ा नहीं, एक छोटा सा कच्चा घर है। हाँ, लेकिन इतने सालों में मैंने तो कभी इस घर को यहां पे नहीं देखा। क्या ये बाद में बना था? क्योंकि जब मैं यहां पे खेलता था तब तो ये नहीं था। तो ये घर अचानक यहां पे कब बना? और मुझे तो कुछ पता भी नहीं है इस बारे में। लेकिन फिर से हिम्मत करके उस घर की तरफ गया, सोचा क्यों ना अगर कोई मदद मिल जाए। नॉक करते ही दरवाजा एक अजीब से आवाज में खुल गया। अंदर से एक औरत बाहर आई। उसका चेहरा ढका हुआ था, सिर्फ मुंह दिखाई दे रही थी। उसने पर्पल कलर की एक
पता नहीं इन चीजों को क्या कहते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। कुछ चोली वगैरह जैसा, कुछ लहंगा चोली जैसा ऐसा कुछ वो पहनी हुई थी। देखिए मैं सब जानती हूं, आप आ सकते हैं अंदर, कोई परेशानी नहीं। क्या आप रास्ता भटक गए हैं? स्ट्रेंज, अब इसको कैसे पता? यह हो ही सकता है, जंगल में तो लोग रास्ता भटकते ही हैं। हाँ देखिए मैं यहां का रास्ता भटक गया हूं, हालांकि ये बहुत शर्म की बात है क्योंकि ये जंगल तो मेरी मुट्ठी में है, लेकिन फिर भी मानो आज मैं यहाँ का रास्ता भटक गया हूं और मौसम पता नहीं कब फिर बदल जाएगा। तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके मकान में रह सकता हूँ? जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है, मोबाइल में एक बार टावर आ जाता है, मैं निकल जाऊंगा। आप जितना देर चाहें यहां रुक सकते हैं, आपको निकालने के बाद कोई नहीं करेगा। आइए अंदर आइए। लेकिन जब ही जैसे ही मैं उस घर के अंदर गया, एक अजीब सा घुटन मेरे को महसूस होने लगा, मानो बहुत वक्त से इस घर के अंदर हवाएं नहीं चली हैं। ये घर अंधेरे से भरा हुआ था, एक छोटा सा लैंटर्न कहीं पे जल रहा था, कुछ ठीक से नजर भी नहीं आया। क्या देख रहे हैं आप? हाँ मैंने देखा कि वो औरत मेरे दाईं तरफ खड़ी हुई है। आप तो अभी सामने गए थे ना? नहीं, मैं तो यही आपके बाजू में खड़ी हुई हूं। आपने शायद अंधेरे में कुछ गलत देखा है, आपको तो बहुत जोर की भूख लगी है। कमाल की बात है, और ये तो कुछ बिन बोले बगैर ही जान लेती है। ऐसा कोई टैलेंट अगर शहर में होता तो बहुत अच्छा होता। हाँ भूख तो थोड़ा लगा है, लेकिन मैं आपको कोई तकलीफ, कोई तकलीफ का बात नहीं है, इंतजार तुम्हारा ही तो था। क्या बोला आपने? नहीं कुछ नहीं, आप बैठ सकते हैं, बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। खिड़की से बाहर देखा तो मौसम फिर बदलने लगे, अब मानो जोर से बिजली कड़कने लगी और धीरे धीरे फिर बारिश शुरू हो गई। लगता नहीं अब मैं और घर जा पाऊंगा। शायद आप आज और घर नहीं जा पाएंगे, आज क्यों ना आप मेरे यहां रुक जाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसे भी यहां आपके एक ही तो कमरे हैं, मैं यहां पे सोऊंगा तो आप कहां सोएंगी? नहीं मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद ही निकल जाऊंगा। कुछ मत सोचिए, मैं कैसे ना कैसे भी सो जाऊंगी, और रात को मैं सोती नहीं। क्या मतलब? रात मुझे बहुत अच्छा लगता है, रात के वक्त ही तो मैं अपना काम करती हूं। कुछ भी हो, इस औरत की बातें मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। आज पहली बार मानो डर का थोड़ा एहसास मुझे हो रहा था, कहीं ये लड़की कोई चोर डाकू तो नहीं, या किसी डकैत दल में जुड़ी तो नहीं होगी अगर मुझे लूट कर चली जाए तो। मैंने सोचा यह रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं निकलने के बारे में सोच ही रहा था तभी मौसम और बदलने लगा, अब बाहर का कुछ दिख भी नहीं रहा था, इतनी जोर से बारिश हो रही थी। क्या बाहर जाने की सोच रहे हैं? इस घने बरसात में आप कहां जाएंगे? आप कहीं नहीं जा पाएंगे, आज रात आपको यहीं रुकना होगा। ठीक है तो बोल दिया, लेकिन मैं सो नहीं सकता, हिम्मत करके मुझे जागना होगा। ऐसे ही थोड़ा कुछ खाना खाकर मैं जागने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मानो नींद आज मुझे खाए जा रही थी, और धीरे धीरे कब मैं सो गया मुझे पता नहीं। अचानक एक अजीब सी आवाज ने मेरा नींद खोल दिया।
यह आवाज कैसे आ रही है? मैं इस खटिया पे सो रहा था, यह आवाज मानो किसी चीज को धार दिया जा रहा हो। मैं उस तरफ पलट कर देखा कि वो औरत जमीन पे बैठी हुई है और उस तरफ मुंह मोड़कर कुछ कर रही है। क्या कर रही है इतने रात को? मैं धीरे धीरे उस औरत के पास गया। मैंने देखा कि वो एक बड़े से चाकू को शान दे रही है, उसको वो धार दे रही है उस चाकू को। कहीं मेरा शक सही तो नहीं? कहीं ये कोई चोर डाकू तो नहीं? हिम्मत करके मैंने क्वेश्चन किया, कौन हो तुम? कौन हो तुम? देखो मुझे लूटने की बड़े में सोचना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। वो कुछ नहीं बोली। कौन हो तुम? अब जो मैंने देखा उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लालटेन की रोशनी में मैंने उसके पैरों को देखा और वो पैर किसी इंसान के नहीं हो सकते। कैसे होंगे वो किसी इंसान के पैर? क्योंकि वो पैर उल्टे थे, उल्टे तरफ थे वो पैर। और देखते ही देखते उस औरत का चेहरा मेरे सामने आ गया। ये कौन है? पूरा जला हुआ शरीर, बड़ी बड़ी लाल आंखें, बड़े नुकीले दांत, उल्टे पैरों वाली, बड़े नाखून और हाथ में वो बड़ा सा चाकू लेकर मेरी तरफ देख रही थी वो। क्या अब तुम्हें विश्वास हुआ? क्या अब तुम्हें विश्वास हुआ? आज इस क्षण में मैंने अपने हिम्मत, अपने विश्वास, हर चीजों को मैंने गलत समझ लिया। गांव वाले सच कहते थे, यही वो डायन है जो किसी ना किसी रात में किसी गांव वालों का कत्ल करती है। देखते ही देखते उसका वो चेहरा नहीं था, इसका चेहरा और भयानक बनता गया और वो अपने बड़े हाथ लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगी। मुझे किसी भी तरह यहां से बचना होगा। मैं जोर से धक्का मारकर उसको मैं इस मकान से बाहर निकल गया। मैं दौड़ते ही जा रहा था और पीछे देखा कि वो डायन हवा में उड़कर मेरे पीछे आ रही है। मैं कहां दौड़ रहा हूं, किधर जा रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं। मैं सिर्फ दौड़ता जा रहा हूं। बाहर जोर की बिजली और जोर से बारिश हो रही है। पीछे से आवाज आने लगा, कहां तक भागेगा? आज तुझे मार कर मैं और जवान हो जाऊंगी। कहां तक भागेगा? सही कहती थी मेरी मां, ये लोगों का खून करके अपनी शक्ति को और बढ़ाती है। उनका प्राण लेकर वो अपना शक्ति और बढ़ाती है। मैं कहां जा रहा हूं? मेरा ताकत खत्म होता जा रहा है, हिम्मत कुछ नहीं बचा है। अचानक तब पता नहीं ठोकर खाकर मैं नीचे गिर गया और मेरे पीछे आ रही थी वो शैतान, वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल। और नजदीक आने लगी और जैसे ही उसने उस चाकू को मेरी तरफ किया, देखते ही देखते वो मेरी तरफ बढ़ने लगा और मुझे मारने के लिए जैसे ही वो आगे आई, तभी मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसको रोक लिया। ये क्या हुआ? वो जितना भी मेरे को मारने की कोशिश कर रही है लेकिन वो मार नहीं पा रही है। मानो एक इनविजिबल दीवार उसको रोक रही है किसी चीजों से। तभी मैंने जो देखा उसके बाद से मैंने अपने बुजुर्गों का किसी भी कहे का मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया। मैंने देखा चारू चाचा ने जो ताबीज मेरे हाथों में बांध दिया था वो ताबीज जल रहा है, यानी ये दिव्य ताबीज ही है जो मुझे इस शैतान के प्रहार से बचा रहा है।
मैंने उस ताबीज को उसके आगे किया। नहीं, हटाओ उसे, हटाओ उसे, ये अष्ट धातु है। हाँ, ये अष्ट धातु वाला ताबीज है, इसके आगे तेरी ताकत कुछ नहीं है। जैसे ही मैंने उस ताबीज को उसके आगे किया, देखते ही देखते वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। और एक बार फिर मौसम पहले जैसा हो गया। पीछे की तरफ देखा तो आगे का रास्ता मैं जानता हूं। इस रास्ते पे तो मैं बहुत बार आया था। देखते ही देखते मैं आखिरकार उस जंगल से बाहर निकल गया। मोबाइल में भी नेटवर्क आ गया था। देखा तो रात के 12:30 बज चुके हैं। जब मैं घर पहुंचा, डांट के साथ प्यार के साथ मुझे बहुत सारी चिंता भी दिखी मेरी माँ के ऊपर। तो कहाँ गया था बेटे, सच बता, क्या तू उस जंगल के रास्ते से आया था? आज मैं अपने माँ की आंखों की तरफ आंखें देखकर कहूंगा, माँ जो तूने कहा था वो सच था। माँ आज शायद तुम्हारा बेटा घर नहीं आ पाता। क्यों? जो कुछ भी हुआ मैंने सब कुछ उन्हें बताया। मेरे पिताजी ने कहा कि ये उसे डायन की माया है। जिस दिन वो डायन शिकार के लिए निकलती है, उस दिन वो कोई भी अगर उस जंगल में हो उन्हें भटका देती है और रात को उनका कत्ल कर देती है। वो एक सुंदर औरत के रूप में उनको अपने मकान बुलाती है और जब रात होता है, आधी रात में वो अपने असली रूप में आती है और उनका कत्ल करके वो और शक्तिशाली बन जाती है। मैंने उस ताबीज को दिखाया। उन्होंने पूछा कि इस ताबीज अष्टधातु वाला मुझे कहां मिला। तब मैंने उनको चारू चाचा के बारे में बताया। जैसे ही मैंने ये बताया, मेरे पिता के हाथ से पानी का ग्लास नीचे गिर गया। चारू चाचा, चारू चारू ने तुझे ये ताबीज दिया? हां पिताजी, क्यों? उसके बाद जो मुझे पता चला, उसके बाद से हर चीजों के ऊपर मेरा विश्वास आया जो मैंने कभी सुना था और जिनको मैं नॉनसेंस समझता था। मुझे ये पता चला कि आज से 4 साल पहले चारू चाचा की मौत हो चुकी है। कहते हैं कि उस जंगल के आसपास आज भी कभी कभी चारू चाचा को दिखाई देता है। यानी चारू चाचा ही आए थे मुझे उस शैतान के प्रकोप से बचाने के लिए। आज अगर ये अष्टधातु नहीं होता तो शायद मैं अपने परिवार से फिर कभी नहीं मिल पाता। उस दिन के बाद से हिम्मत को भी मैंने अपना साथी बनाया और विश्वास को भी। अगर कोई मुझे कुछ कहता तब से मैं किसी चीज का मजाक नहीं उड़ाता था। हो सकता है जो वो कह रहे हैं वो सच भी हो। ऐसे कितने सच होते तो है हमारे जिंदगी में जिनसे हम अनजान होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सच ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का बटन प्रेस कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें ग्रो करने में हेल्प कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूंगा एक अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।